नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़वानी जिला मुख्यालय का पाला बाजार क्षेत्र बढ़ती जनसंख्या के अनुपात लगातार यातायात प्रभावित हो रहा है। दुकानदारों को स्थानीय शासन प्रशासन दूसरे स्थान पर दुकान लगाने की समझाइश दी। इस रविवार पाला बाजार में लगाने वाले दुकानदार के बीच में हंगामा खड़ा हो गया। दुकानदार शिकायत कर रहे थे कि हम लगभग कई वर्षों से पाला बाजार में दुकान संचालित कर रहे थे, लेकिन स्थानीय शासन प्रशासन द्वारा उन्हें पाला बाजार क्षेत्र में हटाया जा रहा है, जो हमारे साथ अन्याय है, क्योंकि अत्यधिक दूरी पर लगाने से हमारा व्यापार व्यवसाय प्रभावित होगा। पाला बाजार निवासी सोनू किन्नर स्थानीय लगने वाली सब्जी फल फ्रूट की दुकानों का पक्ष लेते हुए उन्हें ये उसी स्थान पर दुकान लगाने के लिए स्थानीय शासन प्रशासन से मांग की है। मैं सोनू किन्नर बोल रही हूँ, या तो यहाँ पे इनको दुकान लगा दो, और नई दुकान लगा देना तो पूरा बाजार यहाँ से बंद करवा दो। ये बेचारे इतना इतना माल लेके आ रहे हैं तो ये क्या खाएंगे, इनके बच्चों को जेर देंगे क्या? इनका सबका माल सड़ रहा है यहाँ पे पड़ा हुआ, और इनको दुकान लगा दो नहीं तो ये बेचारे क्या करेंगे यहाँ मजदूर लोग। तीन महीने ये लगा है लॉकडाउन हमेशा। पिछले हफ्ते रविवार के दिन दुकानें लगी थी क्या? पिछले हफ्ते रविवार को दुकानें सब लगी थी, और अब क्यों नहीं लगान दे रहे? तो कोई दूसरी जगह बता रहे या दूसरी जगह बताए उनको कहीं दुकान लगाने के लिए? सब लोन ले लेके बोले सोमवार किस्त रहती है के दिन इनकी सबकी किस्त रहती है, ये किस्त देंगे या इनके बच्चों को खिलाएंगे? और इनका माल सड़ जाएगा तो इनका कौन है जिम्मेदार? हाँ सर, आज जो है पाला बाजार में जो दुकानदार जो है हंगामा कर रहे थे, तो उनको दुकानें सर क्यों नहीं लगाने दिया जाए? वहाँ के निवासियों के आसपास के लोगों की शिकायत भी आई हमारे पास, ये रोड जाम होता है, और हम भी प्रातःकाल से दिन भर हम लोग उधर राउंड करते रहते, तो हमने भी स्थिति देखी कि वहाँ मुख्य मार्ग पर बहुत सारे लोग दुकान लगा लेते हैं तो ट्रैफिक बहुत जाम होता। दूसरा है ये कि कोविड के जो नियम हैं उनका भी पालन नहीं कर रहे, कोई मास्क नहीं लगा रहे, कुछ नहीं कर रहे, वो भी समझाए हम समय समय पर देते हैं। और हमको मालूम है कि अंजड़, राजपुर और आसपास के व्यापारी भी आते हैं, बड़वानी प्रॉपर के भी हैं, उनको नुकसान ना हो। सर, कोविड जो है तीसरी लहर आने की संभावित जो है संभावना ज़्यादा है जी, तो स्थानीय प्रशासन नगर पालिका का बहुत बड़ा दायित्व हो जाता, तो सर ये क्या अगली क्या व्यवस्था करी सकते? हम लोग निरंतर लोगों को समझाइश दे रहे हैं, हम लोग फिर से पुनः चालानी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि लोग सभी लगभग लापरवाह हो गए, 2% 3% लोग ही ऐसे हैं जो मास्क लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। तो अभी कलेक्टर साहब भी समय सीमा की बैठक में सोमवार को उन्होंने भी कहा था कि कुछ पुनः कार्रवाई चालू कर दी जाए, तो हम ऐसे लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई और समझाइश वगैरह करेंगे। चलो चालू। आपका नाम? लीला भाई। क्या समस्या आपकी? दुकान ही लगा देते हाथ से, कौन हाथ दुकान लगा हाथ से नहीं, 25 साल से लगा रहे हैं, वो देर लगाते हैं। और हमको कहना था कि भाई दुकान ना नहीं लगाने देंगे, तो हम माल नहीं खरीदते, बस 12,000 का माल लिया, अभी सड़ेला माल हम ले जाने का लेगा, और आगे जा रहे वहाँ दुकान ही लगती, वहाँ पर 1,000 तक माल लेते आएगा, वहाँ कैसे लगाएंगे? लेकिन लगता है हम हाथ दुकान लगाते हैं काला बाजार। अच्छा, आपको जो कोविड की जानकारी है, कोविड-19 की जो टीके लगवाना चाहिए, तो टीके आप सबसे लगवा ले क्या? हाँ, अभी जैसे अभी आप खड़े हो तो कोई मुँह पे मास्क तो लगाई हुई हुआ, जबकि मास्क लगाना चाहिए आपने, वो जो ग्राहक है ग्राहकों से मास्क लगवाना चाहिए। कहीं ना कहीं तो लापरवाही आपकी भी हो रही है, मतलब ग्राहक बहुत सारे बिना मास्क के आते हैं। नहीं, ये इसके पिछले जो रविवार मतलब लगी थी दुकानें आपकी, उसका क्या करना, निराकरण करना? अभी सबने 15-15-10,000 रुपए का माल लिया, गरीब इंसान लॉकडाउन में पहले परेशान है, अभी दुकानों अभी एक महीने से लगा रहे हैं, उसका निराकरण क्या करना? ये हर भगत की परेशानी है, एक बार की परेशानी नहीं, पाला बाजार की परेशानी। तो हम ये चाहते हैं कि नहीं, परेशानी क्या है हमको वो बताओ, तो हम वो जारी करेंगे, हम उसको दूर करेंगे, क्या है परेशानी हम वो चाहते हैं। क्या है पहले भी बाजार जब पलटाया था, जब भी बाहर गांव वालों ने 2-2-3-3 बजे रात से आकर यहाँ दुकानें लगा ली, हम लोग सोए रहे,
ये तो हम लोग खेल बढ़वाने की जरूरत नहीं लगती यार, चलो सवेरे जाएंगे तो पांच दुकान मिल जाएगी। एक टाइम के लिए 20-25 साल मैदान पेट कर दिया था उन लोगों ने और भाग गए आप, हम वहाँ से मैदान में से भाग गए वो लोग। ये रोड के ऊपर लगी दुकान, हाँ अभी जरूर, अभी अभी क्या परेशानी आ रही है, हम ये चाहते हैं जो है तीसरी लहर आने की संभावना जिसकी जानकारी है आपको, तीसरी लहर के अंदर वो तो आई भी बोल जानकारी है, कोई खबर चली है बस। बंद में अपन खा रहे थे चटनी रोटी, अभी और बंद कर दो, अभी और बंद कर दो, नजारा कर लेंगे। बड़वानी से शकील मंसूरी के साथ संजय बामनिया की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।